नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ये जो कोर्ट हियरिंग हुई है 30 मई की, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और क्या कमियां रह गई, आगे की हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है, इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच में हियरिंग होने वाली थी। 30 मई को हियरिंग भी हुई। हियरिंग में इस केस को विद इन 5 मिनट में रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें दोनों पक्षों को बहुत ही कम समय दिया गया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी खत्म होने के पीछे वो जो जज थे, जो सुनवाई करने वाले जज थे, उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को उन्होंने समझा नहीं, डायरेक्ट केस को रिजेक्ट किया। क्योंकि अभी ये छुट्टियां पे जाने वाले हैं, तो जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। दूसरी चीज मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, ठीक है। दूसरी जो बड़ी चीजें हैं, जब दोनों तरफ की चीजों को सुनने की बात हुई, तो उसमें जो रिस्पोंडेंट लॉयर थे, उनका जो सबसे जो चुभने वाली बात है, उन्होंने ये कहा कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम से जो प्रॉब्लम है, उसमें मेनली ये जो 40 पिटिशनर्स है, इन 40 बच्चों को ही प्रॉब्लम है। बाकी पूरे भारत के जितने भी आयुर्वेद के स्टूडेंट है, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा के स्टूडेंट है, वो नेक्स्ट एग्जाम का स्वागत कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिर्फ इन 40 बच्चों को प्रॉब्लम है, और ये वही बच्चे हैं जिनको पढ़ना उड़ना नहीं है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। अब सबसे बड़ी सवाल उठती है कि क्या सच में ऐसा है। आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों का जमीर मर गया है, जिन बच्चों ने ये सोच लिया कि दुनिया करेगा तो करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, वो बच्चे कम से कम अब तो जागे। अभी भी नहीं जागेंगे तो कुछ नहीं बचा हुआ है उनके लिए, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो मैं आप सबको बता दूं, ग्राउंड लेवल पे चाहे ऑनलाइन लेवल पे कहीं पे भी कोई स्ट्राइक नहीं किया गया आयुष स्टूडेंट के द्वारा। नहीं एनसीआई से ऑफिस को घेर करके घेराव करके स्ट्राइक किया गया, ना एनसीएच ऑफिस को स्ट्राइक किया गया, ना स्टेट काउंसिल ऑफिस को घेर करके स्ट्राइक किया गया, कहीं कोई स्ट्राइक नहीं किया गया। ये 3 कारण थे। चौथा जो कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, आयुष के स्टूडेंट्स में जो एक अगर 500 से 600 बच्चों को मैं हटा दूं, तो उसके बाद मैक्सिमम बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम नहीं चाहिए, उनको नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है, वो नेक्स्ट एग्जाम के विरोध में है, लेकिन उनको इसमें पार्ट नहीं लेना है, इसमें उनको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो सीनियर है, पीजी स्टूडेंट है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है, आरएमओ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उन सब में से किसी के तरफ से आयुष स्टूडेंट को कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब देश भर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है जिनके पास अथाह फंड पड़ी हुई है, उन लोगों ने भी आयुष स्टूडेंट के सपोर्ट में कहीं भी कुछ भी नहीं किया। इन सब कारण के वजह से ये केस जो है धीरे धीरे कमजोर होता गया। स्टूडेंट ने अपने स्तर से अच्छे वकील को हायर किया, लेकिन जब जज सुनना ही नहीं चाहे तो वो वकील क्या करेगा, चाहे कोई भी पर्सन क्या करेगा। ये इसके पीछे का रीजन है कि बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले लोग भी थे, गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी लोग थे, सब लोग अगर सपोर्ट करते तो केस इजीली, जैसे आईएमए सपोर्ट करती है जब भी एमबीबीएस का मैटर होता है, वैसे आयुर्वेद में कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो कभी भी स्टूडेंट के फेवर में सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि बहुत कहने सुनने पर एक जो नीमा ने किया था, लेकिन उसका कोई असर जो है एनसीआईएसएम और बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की प्लान की। तो यहां से आपके 2 चीजें ओपन होती है दोस्तों, या तो यू हैव एक्सेप्टेड और प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। सिलेबस अभी भी ऑफिशियली नहीं दी है, ठीक है, सिलेबस वगैरह आएगी, तैयारी कीजिए। और बहुत सारे सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और खुद को एक्सपर्ट कहते हैं, उन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया है, नेक्स्ट की तैयारी करने के लिए हमारा कोचिंग ले, हमारा बैच ले, हमारे यहाँ तैयारी कर, ठीक है। इन लोगों ने लाज शर्म और इंसानियत मार खाई है इन लोगों ने, और कुछ नहीं है। इन लोगों के अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची हुई नहीं है। क्यों सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको नेक्स्ट का बैच चला करके लाखों कमाना है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, इन्होंने ये सोचा कि ये लागू हुआ तो हमारे फायदे की चीज है, तो हम अपनी फायदे की देखते हैं। ये सारे सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन वाले हैं जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और बच्चों से लाखों कमाते हैं, ठीक है। अभी अब दूसरा जो प्लान आपके पास है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब भी बच्चों को केस फाइल करना, तो आप नंबर ऑफ पिटिशनर जो है 1000, या ऑनलाइन जो है पिटिशन फाइल करवाना, ऑनलाइन पिटिशनर जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पिटिशनर ऑनलाइन करवाना, और 1000 से ज्यादा बच्चों को पिटिशन फाइल में रखना नाम, ठीक है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को ऑनलाइन जो है डिजिटल साइन भी करवा करके पिटिशन में ऐड करना होगा। तो यहां पर ये है, ठीक है। तो अभी हम सब लोग प्लान कर रहे हैं क्या रहता है, आप सबका भी क्या मन में है, आगे क्या प्लान करना है, सब लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं और फिर देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा अगर कहे तो इतना आगे तक आ गए हैं, इतनी लड़ाई लड़ ली है, तो एक बार आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना चाहिए।
मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ, हमेशा सपोर्ट करता हूँ, आगे भी मैं सपोर्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।